रैयत रह चुके हैं, तो चंद लोग इस देश पर शासन कर गए और आप उनकी प्रजा बनकर गुलामी करते रहे। ये संविधान ने आपको आजादी दी है और ये संविधान आपकी आंखों से ओझल हुआ तो आपका वर्तमान भी मिटेगा और आने वाला भविष्य भी मिट जाएगा। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, हक वंचित समाज के लोगों, जागरूक हो जाओ और इस संविधान की रक्षा के लिए जरूरत पड़े तो डंडा भी उठाओ और जरूरत पड़े तो बलिदान देकर के भी इसको बचाओ। अगर इसे आपने बचा लिया तो आने वाली पीढ़ियां बच जाएंगी। सब ये मिटाने की जुगत खाए हैं, उन्होंने कसम खाया है, वो संविधान को नहीं मानते, वो राष्ट्र ध्वज को नहीं मानते। आप चाहे जितने अच्छे कानून बनाइए वो नहीं मानते। उन्हें अपनी विचारधारा से प्यार है, उन्हें अपनी नाजी सोच से प्यार है, उन्हें नफरत से प्यार है। इसलिए जब तक पीड़ित समाज 85 बाबू जगदेव ने 90 कहा ये इकट्ठा नहीं होगा, एक साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक देश में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था बदल नहीं सकती। याद रखना, बहुत से लोग यहाँ राजनीति करने आए, उन्होंने सत्ता परिवर्तन का बहुत बड़ा बड़ा काम किया, दूसरे को हराया, जीत गए, बड़ी कोठी बनाई, बच्चे को विदेश में पढ़ाया, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का रत्ती भर काम नहीं किया। याद रखना बहुजन समाज के लोगों, ऐसे नेताओं को जब तक तुम जिताते रहोगे जो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, आपकी व्यवस्था परिवर्तन कभी होने वाली नहीं है। और व्यवस्था परिवर्तन जो नेता करना चाहता है उसका आप साथ दीजिए, और जो संविधान के साथ खड़ा है, सबके साथ खड़ा है, उसका साथ दीजिए, तभी ये देश बचेगा और ये संविधान बचेगा, हमारा मान सम्मान बचेगा। मैं एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते भी अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ। जब वो लोग ये कह सकते हैं कि मैं हिंदुओं की रोटी खाता हूँ, हिंदुओं के लिए काम करता हूँ, तो मैं भी फख्र से कहता हूँ कि मैं 85 समाज की रोटी खाता हूँ और उनके हक अधिकार के लिए पूरे देश में बोलता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता कि सम्राट हर्षवर्धन ने पहली बार इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पर बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन बुलाया था, उसमें 38 देशों के लोग आए थे, तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी से पढ़े पढ़े लोग यहाँ आए थे, और गंगा यमुना के संगम पर, जिसे वर्तमान में अकबर का किला कहा जाता, वो हिस्टोरिकल देखा जाए तो सम्राट हर्षवर्धन का किला है, उस किले में उन्होंने 38 देशों के लोगों को बुलाकर अपना पूरा खजाना खोल दिया था और एक ऐसा मेला लगाया, एक ऐसा महोत्सव किया जो महोत्सव इस प्रयागराज की धरती पर 6 महीने चला था। आज वो मेला इन लोगों ने कब्जा कर लिया, आप सारे लोग जानते हो। हक वंचित समाज का व्यक्ति उस मेले में कुछ काम का नहीं है, आप दर्शक हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया क्योंकि आप गुलाम हो गए, शिक्षा से वंचित हो गए, सत्ता से वंचित हो गए, पढ़ने दिया नहीं गया, आप भूल गए कि आपके पुरखों ने क्या क्या काम किया है। इसलिए मैं फिर दोबारा याद दिलाने आपको आया हूँ कि 27 अक्टूबर को प्रयागराज की धरती पर दुनिया के बड़े बड़े लोग हमने बुलाए हैं और 15 देशों के लोगों को बुलाया है, विश्व बौद्ध सम्मेलन हमने बुलाया है। मैं आपको आमंत्रित करने आया हूँ, आप सब लोग अपने घर परिवार के साथ आइए और आकर के व्यवस्था बदलने का काम करिए। बाबा साहब ने कहा कि जब तक हम बुद्ध की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारे साथ अत्याचार बंद होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ आप उनसे ज्यादा विद्वान नहीं हो, आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, अगर हमारे महापुरुषों ने मार्ग दिखाया तो हमें उस पर चलना चाहिए। मैं आह्वान करता हूँ कि आपके पटेल संस्थान में 27 अक्टूबर को विश्व बौद्ध महासम्मेलन में आप सब लोग आइए, कौन कौन आएगा हाथ उठा के, और चारों तरफ चर्चा करिए। ये अब तक का सबसे बड़ा पौध, जब तक इनका कुंभ लगेगा तब तक हम अपना कुंभ लगाकर पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि ये बौद्धों का मेला है, ये बौद्धों का कुंभ है। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आइए। आज आपने मुझे बुलाया, हमारा सत्कार किया, इसलिए आयोजक मंडल का, संचालक मंडल का, सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा सम्मान रखा। और सोशल मीडिया पर तो आप सुनते रहते होंगे, तमाम हमारे वीडियो वायरल होते हैं। मैं देश में खुलेआम सच्चाई बोलता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ये गलत फहमी कोई ना पाले, मैं उन हक वंचित असहाय लोगों के साथ हूँ जिनके साथ सदियों से जुर्म हुआ और आज भी ये लोग जुर्म कर रहे हैं।
इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ, पीड़ित के साथ खड़ा हूँ। मैं एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते जिंदा हूँ और मानवता के साथ खड़ा हूँ। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।